मैं विनोद कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान पर। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है, आप लोगों को जागरूक करने का पर्पज़ है ताकि आपके सामने इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाए। और इसके लिए मैंने आपके लिए जो ये वैकेंसी निकलवाने के लिए मैंने भरत जी बेनीवाल जी हैं, वो जो NRHM के हैं ना, संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात भी की है। तो उसकी उनसे जो मेरी बात हुई है इस वैकेंसी को लेकर के, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इसका जो ये वीडियो है, मैं आपको एक तो फेसबुक पेज पे दे दूंगा, नर्सिंग हेल्थ इंस्पेक्टर का जो पेज है वहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें आपको मैं यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी दे दूंगा, जो यूट्यूब लिंक से देखना चाहे वहाँ से देख सकता है, और जो फेसबुक पेज से जुड़ना चाहे डायरेक्ट वो वहाँ पर भी जुड़ करके इसकी इंफॉर्मेशन पूरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था। पहली बात तो अपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट है काफ़ी कम है दोस्तों। तकरीबन अपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट जो है वो अपने पूरे राजस्थान में बात करें अपन 3,000 या 3,500 4,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। और 4,000 स्टूडेंट से उनमें भी यूनिटी नहीं है, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा है। जब तक कि आपकी यूनिटी नहीं होगी तब तक आप लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे या राज्य सरकार के दरवाजे बंद है। जिस प्रकार NHM के अंतर्गत स्टाफ नर्स वालों ने यूनिटी बनाई है, फार्मासिस्ट वालों ने यूनिटी बनाई है, उसी प्रकार आप लोगों को यूनिटी बनानी पड़ेगी। सुख दुख में आप ही को पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको ही कोर्ट केस करना पड़ेगा, जब भी जाकर के आपका कुछ हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप यहाँ पर जो है भरत जी बेनीवाल जी से जो बात हुई है मैं आपको यहाँ पर सुना दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मेरा आप लोगों को इतना सा बताना है, आप जल्दी से यूनिटी बना लीजिए और आप कोर्ट केस करने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी जो 417 पोस्ट NRHM के थ्रू ख़त्म की गई हैं उनको भी हम कोर्ट के थ्रू स्टार्ट करवा सकते हैं और उस पर भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट करवा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आप ये समझ लीजिए धीरे धीरे आपकी जो है राजस्थान में, दिल्ली में, पूरे ऑल इंडिया में धीरे धीरे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टें ख़त्म कर दी जाएगी। राजस्थान में अभी हाल ही में एक मैटर चला है, डिप्लोमा हटा दिया है। डिप्लोमा तो इन्होंने 2015 में भी हटा दिया था, लेकिन लोगों के जागरूक होते हुए, हम जैसे जागरूक होते हुए उस टाइम पे डिप्लोमा जो वापस है कोर्ट से लागू करवा दिया था, और इस बार इन्होंने रिक्वायरमेंट रूल चेंज करके उसमें डिप्लोमा हटा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप में यूनिटी रहना बहुत जरूरी है, मेरा यही पर पता है इस वीडियो को बनाने का। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार की अधर्मिता का खामियाजा भुगत रहे 13 साल से NRHM वंचित नर्सिंग कर्मी। तो दोस्तों, वही खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा और फ्यूचर में आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जिन लोगों ने कर रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, और भरत जी बेनीवाल जी से जो मेरी बात हुई मैं आपको वहां पर सुनाना चाहता हूं। देखिए, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पे, जो नर्सिंग कर्मियों को जैसे अभी 7,000 समथिंग पेमेंट दी जा रही है। वैसे पेमेंट वैसे तो बहुत कम है, ये जैसे मेरा भी मानना है एक नॉर्मल जो मजदूर होता है वो भी 10-15 हज़ार मंथली कमा रहा है। ठीक है, तो एक एजुकेटेड आदमी को कम से कम मिनिमम बेसिक सैलरी तो मिलनी चाहिए ना। तो वो वीडियो मुझे काफी अच्छा लगा आपका, और हम भी क्या हमारे आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंटों की जो संख्या है ना बहुत कम है। हमारे पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड हूँ मैं भी। अच्छा, ऐसा ही सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जो आपने सुना हो नाम कहीं, कहाँ पर है आप? मैं तो अभी दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। अच्छा, लेकिन हमारे काफी भाई बंधु ऐसे जो अभी तक जॉब नहीं लगे हैं, और ये जो पोस्ट होती है पैरामेडिकल के अंदर आती है, जिसको अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर स्वास्थ्य निरीक्षक बोलते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, इसको मलेरिया इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो इसकी काफी ज्यादा वैकेंसी, अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी गुजरात ने अकेले ने अभी पिछले 2 महीने के अंदर कम से कम 1500 वैकेंसी निकाला है COVID-19 को लेकर के। अच्छा, और उससे 6 महीने पहले भी गुजरात के अंदर परमानेंट वैकेंसी आए कम से कम 200-250 वैकेंसी आया। गुजरात में असल वैकेंसी आता है, मैं रेगुलर चेक करता रहता हूँ, ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसी आती है ना हमारे, चेक करता रहता हूँ, सबसे ज्यादा गुजरात स्टेट में आती है। अच्छा, और उसके बाद जो है दिल्ली में भी 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आ जाता था, 200-250 समथिंग परमानेंट वैकेंसी आता था। लेकिन दिल्ली में भी इस बार तीसरी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट, जो वैकेंसी आएगा ना यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर का, तो वो भी प्राइवेट आएगा, और उसमें भी पता नहीं कितनी सैलरी रखेंगे क्या है, मतलब पोस्ट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। फिर पेपर कर दिया मतलब। हाँ, और दूसरी चीज, अपने राजस्थान में 20 साल बाद वैकेंसी आया था 2015 में सैनिटरी इंस्पेक्टर का, 20 साल बाद आया था सीधा। वो आज दिन तक कोर्ट में चल रही है, उसमें कोर्ट के थ्रू डिप्लोमा करवाया, मतलब
जैसे नर्सिंग है ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, जैसे नर्सिंग है ठीक है, अब जिन बंदों ने नर्सिंग किया हुआ है और गवर्नमेंट सीधा ये कहते हैं कि नर्सिंग एनम एनम जो भी बीएससी नर्सिंग जो भी कोर्स करते हो आप, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ग्रेजुएट कोई भी भर दो, गलत है नहीं है। सही। वैसा हमारे साथ किया इन्होंने, सेनेट इंस्पेक्टर डिप्लोमा हटा दिया 2015 की भर्ती में इन्होंने, कोर्ट से केस लड़े, हालांकि जीत गए, डिप्लोमा हो गया ठीक है, लागू करवा दिया कोर्ट से, करवाने के बावजूद भी इन्होंने जो फॉरम मिला डेट से उसके बाद का जिनका डिप्लोमा था उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, तो वो केस 7 दिन तक चल रहा है। वैसे तो कोर्ट की तरफ उसमें अभी 93-94 के समथिंग पोस्टिंग हो चुकी है, वैकेंसी 78 थी, अभी भी केस चल रहा है उसमें कि भाई जो जिनका डिप्लोमा बाद का आप उनको हटाइए, उनकी वजह से हम मेरिट में बाहर हो रहे हैं, जो मेरिट में आ रहे हैं उनको रखें आप, जिनका डिप्लोमा पहलेगा। सही है ठीक है। तो ये 2-3 मुद्दे हमारे, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है राजस्थान में 2000-3000 जा रहे हैं और एन्युइटी है नहीं।